टोटली नीतीश कुमार पर डिपेंड कर रहा है कि ये सरकार कब तक चलेगी, इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनावेंगे। कोई विरोधी दल में कोई ताकत नहीं है जो इस गठबंधन की सरकार को क्षति करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जब मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार कब तक चलेगी, इस पर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर भी अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुने। देखिए, जो हमारा अनुभव है 42 साल से हम राजनीति कर रहे हैं और आज जो परिस्थिति है ये टोटली नीतीश कुमार पर डिपेंड कर रहा है कि ये सरकार कब तक चलेगी, इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनावेंगे और ये भी उन्होंने कहा है कि तेजस्वी 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनाव करने की बात करेंगे। दोनों बातें ऐसी है कि 25 तक भी रह सकते हैं या 25 के पहले भी तेजस्वी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, तो इसीलिए टोटल ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि ये सरकार कब तक चलेगी, वरना कोई विरोधी दल में कोई ताकत नहीं है जो इस गठबंधन की सरकार को क्षति करे। गरीब तबके के लोग शराबबंदी में जेल में, अमीर लोग तो छूट जाते हैं, पाछर देते हैं, पर इस पर भी विचार होने के लिए तो खुले मन पर भी आप बताएं। इस पर बहुत हम बोल रहे हैं जी, और बोलते रहते हैं, हम नहीं करते हैं, हम सजेशन देते हैं और बात भी सही है कि आज जो पुलिस तंत्र है और जो पदाधिकारी हैं अपना गुडविल के लिए सरकार के समक्ष अपना अच्छा काम दिखाने के लिए वो गलत काम कर रहे हैं। आज ही अभी हमारे पास जुड़वा का एक केस है, हम जानते हैं वो ग्रेजुएट है, आदमी है, ग्रेजुएट है, वो दारू छूता नहीं है, लेकिन आपसे उसकी झगड़ा हो गई और झगड़ा हो गई आप उसके घर के भूसा में एक बोतल दारू घुसा दिया और पुलिस को कह दिया कि देखिए उसे क्या दारू है, पकड़ाया और उसको जेल जाना पड़ा 3 महीना जेल भोग करके। ये नहीं होना चाहिए, अब ये हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग नीतीश कुमार को कहते हैं शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो कार्रवाई नीचे के लोग कर रहे हैं वो गरीबों के हित में नहीं है। 70% गरीब आज जेल में है, उनको छुड़ाने का ऐसा स्पेशल कोई सरकार को प्लान बनाना चाहिए और बड़े बड़े जो तस्कर हैं उनको ले जाए माने, या जो अपनी पत्नी को मारता हो पी करके, या अस्पताल में जा कर के करता हल्ला, स्कूल में करता है हल्ला, बाजार में करता है हल्ला, और उसे पकड़ के जेल में भेजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है इस तरह से है कि बदला सजाना है आपको तो आपको हम निश्चित फंसा दे सकते हैं। अभी जो परिस्थिति है जी, पुलिस तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि कोई शराब पकड़ाया उधर तो भाग रहा है, पियो भी नहीं है, फिर भी उसको भेज दिया। यही तो कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब को भी हम कलेक्ट करेंगे जी। कितना कैसे ऐसा है, अभी तो आज हमारे सामने आया गुरुआ का विचार, हम जानते हैं हम लोग का करता है। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि वो बिहार में कब तक महागठबंधन की सरकार को चलाएंगे। उन्होंने बीते दिनों पहले कहा था कि 2025 विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने आज महागठबंधन की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि वो बिहार में महागठबंधन की सरकार कब तक चलाते हैं, तो ऐसे में इस पर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।